الحمد لله رب العالمين कहते कुछ सैयद जो हैं अपनी लड़की का रिश्ता किसी दूसरी कौम में नहीं करते, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, जिद है बस कि हम सैयद हैं। पहली बात यह है कि सैयद कौम होती नहीं, ये सैयद कैसे हो गए? कौम तो हुजूर की कुरैश है, बनू हाशिम है, आप करशी हाशिमी हैं, सैयद तो लकब है, क्या ना सैयद बोलते आदम, ये अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, वो तो लकब है, वो कोई कौम तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर गैर सैयद को लड़की देना जायज नहीं है तो सरकार तो आज जहां से बड़ा सैयद कौन है जिन्हें अपनी लड़की हजरत उस्मान को दी, और एक भी नहीं दो दी, और साथ ये भी कहा कि अगर मेरी तीसरी लड़की होती वो भी मैं उस्मान को देता। मेरा पहले हमल ज़ाय हो गया था, अब मैं हमला हूँ, डर लगा रहता है, ये डर जो है ना इसी वजह से हमल ज़ाय हो जाता है। अल्लाह पे छोड़ दो, डर किस बात का, अल्लाह ने लिखा है तो औलाद होगी, नहीं लिखा तो नहीं होगी। बहरहाल कुरान में एक आयत है, इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्ध अन तज़ूला वलइन ज़ालता लइन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बाद, ये आयत पढ़ के दुआ मांगा करो और गम फिक्र छोड़ दो। ये फिक्र की वजह से तो हमल गिर जाते हैं आदमी, जब उस फिक्र में हमल गिर जाए, हमल खुदा ना खादा गिर ना जाए, हमल गिर ना जाए, इसी में तो ट्यूब जो है ना वो खुल जाती है, हमल गिर जाता है। कढ़ाई वाले कपड़े मर्द पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन औरतें नजर ना आए, यानी ऐसा भी बात ना हो जो दूर से औरतें पहनती हैं। मर्दों के लिए सादा कढ़ाई होती है,